हरदोई में वरिष्ठ पत्रकार रामशरण कटियार के साथ सांडी थाना प्रभारी ने किया अभद्र भाषा का प्रयोग, ऑडियो वायरल। सांडी में आज दिनांक 29 अगस्त 2020 को साप्ताहिक लॉकडाउन के चलते मीट पोस्ट की दुकानें खुलने की सूचना थाना प्रभारी सांडी अखिलेश कुमार यादव एवं क्षेत्राधिकारी बिलग्राम विशाल यादव को अवगत कराए। इसी सूचना पर भड़के मीट दुकानदार एकत्रित हो गए और जान से मारने की धमकी देने लगे। इस घटनाक्रम की जानकारी थाना प्रभारी अखिलेश कुमार यादव को फोन द्वारा दी तो थाना प्रभारी ने अभद्र भाषा का प्रयोग वरिष्ठ पत्रकार डीसीपी न्यूज चैनल एवं भारत दर्पण न्यूज चैनल से यूपी हेड रामशरण कटियार के साथ पेश आने पर उनके साथ ठोस कदम पेपर के पत्रकार आशु बाजपाई, श्याम जोशी, शिवम के साथ साथ अन्य पत्रकारों ने डैक प्रकट करते हुए खबर को ट्वीट किया, जिस पर पुलिस अधीक्षक हरदोई की तरफ से तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अब बात यहां तक नहीं बल्कि पत्रकारों की सुरक्षा पर। आए दिन पत्रकारों की हत्या हो, दबंग व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की धमकी, पुलिस विभाग पत्रकारों के साथ अभद्र भाषा प्रयोग करना। इस सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जबकि सरकार बार बार पत्रकार सुरक्षा पर दिखावटी ढोल पीट रही है। सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पत्रकारों के जवाब सवाल में बोले, पत्रकारिता छोड़कर नेतागिरी करने लगो। इस सरकार में और भी कई सवाल, तहसील, ब्लॉक, थाना या अन्य विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। सरकार दोपहिया वाहन चालकों पर 500 रुपए का जुर्माना मास्क न लगाने पर कर रही है। पुलिसकर्मी बिना मास्क के कार्य करने पर कितना जुर्माना किया गया। एक तरफ योगी मोदी सरकार पत्रकारों की सुरक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ पत्रकारों के साथ पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी अभद्र भाषा का प्रयोग करना, क्या यह उचित है? क्या सरकार और सरकारी कर्मचारियों ने संविधान और मानवता को खो दिया है कि चौथे स्तंभ के कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ इस तरह की भाषा शैली प्रयोग करना क्या उचित है? यदि पत्रकार अपनी सही कलम चलाकर खबर को जारी करता है तो उसके साथ अनेकानेक घटनाएं घटती जा रही है। इस सरकार में भू माफिया खुलेआम मिट्टी खनन पुलिस की सह पर दिनदहाड़े कर रहे हैं। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा को लेकर हो या अनैतिक रूप से चल रही फैक्ट्रियों के संबंध में यदि पत्रकार खबर कवरेज करता है तो उसे धमकियां मिलती है। पत्रकार को सच की कलम चलाने पर नीचे से लेकर ऊपर तक धमकी या तो जान से हाथ धोना पड़ता है। सवाल इस बात का है कि आखिरकार कब तक पत्रकार अपनी कलम को इन धमकियों से दबाएगा? सरकार इस पर तत्काल जवाब दे, नहीं तो पूरे प्रदेश के पत्रकार संघ एकत्रित होकर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे।